तो जब हमें बोलना होता है हो या ना हो, तब उसके लिए हम इंग्लिश फ्रेज यूज करते हैं वेदर और नॉट। आइए एग्जांपल्स लेते हैं सेंटेंसेस की और बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। बारिश हो या ना हो, हम पिकनिक पर जा रहे हैं। वेदर और नॉट इट रेन्स, वी आर गोइंग ऑन द पिकनिक। मैं बैठक में भाग लूंगा चाहे मुझे निमंत्रण मिले या नहीं। आई अटेंड द मीटिंग वेदर और नॉट आई रिसीव एन इन्विटेशन। चाहे वह सहमत हो या नहीं, मैं अपने सपनों को पूरा करने जा रहा हूँ। वेदर और नॉट शी अग्रीज आई एम गोइंग टू परसू माई ड्रीम। हम कॉन्सर्ट में जाएंगे चाहे टिकट उपलब्ध हो या ना। वी विल गो टू कॉन्सर्ट वेदर और नॉट टिकट्स आर अवेलेबल। चाहे आप इसे पसंद करें या ना करें, परिवर्तन जीवन का एक हिस्सा है। वेदर और नॉट यू लाइक इट, चेंज इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। वह कार खरीदेगा चाहे वह बिक्री पर हो या नहीं। ही विल बाय द कार वेदर और नॉट इट्स ऑन सेल। चाहे उन्हें मंजूर हो या ना हो, मैं अपने रास्ते पर चलूंगा। वेदर और नॉट दे अप्रूव आई विल फॉलो माई ओन पाथ। हमें आगे जांच करनी चाहिए चाहे कोई सुराग है या नहीं। वी शुड इन्वेस्टिगेट फर्दर वेदर और नॉट देयर आर एनी लीड्स। चाहे वह सफल हो या ना हो, वह प्रयास करने के लिए कृत संकल्प है। वेदर और नॉट शी सक्सीड्स शी इज डिटर्मिन्ड टू ट्राई। मैं आपके निर्णय का समर्थन करूंगा चाहे मैं इससे सहमत हूं या नहीं। आई विल सपोर्ट योर डिसीजन वेदर और नॉट आई अग्री विद इट। Now it's your turn to make a sentence, whether or not. If you like this video, could you please hit the like button and subscribe my channel, and please don't forget to press the notification button.